हेलो दोस्तों दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम डेट। दोस्तों सभी स्टूडेंट के मन में ये सवाल बन रहा है कि आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम कब से होगा और एनटीपीसी प्रीवियस ईयर कट ऑफ मार्क क्या था। ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि एनटीपीसी प्रीवियस ईयर कट ऑफ मार्क क्या था, और उसके बाद इतना जानने के बाद आपको 2020 में जो आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम होगा उसमें पास होने के लिए कितना नंबर लाना सेफ होगा, ये भी आपको जानना अनिवार्य है। तो चलिए चलते हैं, आज के वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि एग्ज़ाम कब तक होगा। सबसे पहला जो आपका कंफ्यूजन है वो एग्ज़ाम कब तक होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि सामने फरवरी है, जनवरी तो मान के चलिए कि ख़त्म ही है, लेकिन सामने फरवरी है। तो फरवरी में यदि एग्ज़ाम होना होता तो अभी तक न्यूज़ में आ जाता, अभी तक एडमिट कार्ड वगैरह जारी होने लगता है। तो ये तो कंफर्म हो गया है कि फरवरी में एग्ज़ाम होने का कोई चांस नहीं है। और बात रही जहाँ तक मार्च की, तो मार्च में इसलिए नहीं चांस बन रहा है क्योंकि SSC CGL का 2 से 11 मार्च तक, SSC CGL का 2 तारीख से 11 मार्च तक 2020, दो मार्च से 11 मार्च तक पेपर होगा, और उसके बाद फिर SSC CHSL का 16 से 27 मार्च तक पेपर होगा। तो अभी जो भी हमारे एग्ज़ाम सेंटर होंगे वो तो ऑलरेडी SSC ने बुक कर रखा होगा SSC का एग्ज़ाम कराने के लिए। अब आप ये सोचिए कि मार्च में कहाँ चांस बन रहा है। 11 से 16 के बीच में आपको 5 दिन का मौका मिल रहा है। अब 5 दिन में 1 करोड़ बच्चों का एग्ज़ाम थोड़ा ना रेलवे करा लेगी, एनटीपीसी। आप सोचिए कि 5 दिन में करा सकती है क्या, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर आप ही बताइए कि फरवरी में होना होता तो अभी तक का लेटर वगैरह एडमिट कार्ड वगैरह जारी होता, न्यूज़ में आ जाता। फरवरी तो इस तरह से निकल गया, और फरवरी में भी आरबीआई असिस्टेंट प्री लेवल का एग्ज़ाम है 14 फरवरी को। ऐसा भी नहीं है कि फरवरी में कोई एग्ज़ाम नहीं है, फरवरी में भी एग्ज़ाम है। तो फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, अब आता है अप्रैल। अप्रैल में चांस है पूरा पूरा कि आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो जाए। वो भी अप्रैल में भी पूरा चांस नहीं है, लेकिन चांस है क्योंकि इससे ज़्यादा लेट नहीं करेंगे जहाँ तक हमको लग रहा है, क्योंकि ये लोग अभी फिलहाल में न्यूज़ में आया था कि कंपनियों का ये लोग चयन कर रहे हैं कि कौन सी कंपनी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। तो वो सब प्रक्रिया तो पूरी हो गई होगी। अब बाकी इधर फरवरी में कोई चांस नहीं है, मार्च में तो ऑलरेडी बुक है एग्ज़ाम सेंटर। तो मान के चलिए कि अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, ये मान के आप पढ़ाई करिए। और अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पढ़ाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम का डेट घोषित हो जाएगा उस दिन आप सभी लोग अफना जाएंगे, एकदम बिल्कुल सोचेंगे क्या पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ। तो अफनाने से नहीं होगा कुछ, आपको अभी से ही पढ़ना होगा, अभी से ही तैयारी में लगना होगा। और आप लोग तैयारी कर भी रहे होंगे, लेकिन इसको इसी वे में चलना है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है तो आप बिल्कुल अपना पढ़ाई लिखाई धीमी कर दें और स्लो कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसी वे से पढ़ना होगा, क्योंकि अभी आपको मैं आगे चल के कट ऑफ बता रहा हूँ जिसमें आपका दिमाग, आप अपने से सोचिएगा कि आप किस लेवल पर हैं। आप जब टेस्ट सीरीज लगाते होंगे तो उसमें कहाँ तक पहुँच रहे हैं और कहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, ये अभी प्रीवियस ईयर कट ऑफ मार्क मैं लेके आया हूँ जिसको आपको देख के पता चलेगा। तो दोस्तों अभी तक हम लोग देख लिए हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। अब चलेंगे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर कट ऑफ मार्क की तरफ, और उसके बाद देखेंगे कि 2020 में एनटीपीसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी इसमें कितना नंबर लाना आपको सेफ होगा। तो चलिए चलते हैं अपने कट ऑफ की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर कट ऑफ मार्क। हाँ दोस्तों, जनरल ओबीसी एससी एसटी
सबसे पहले हम लोग अहमदाबाद का देखेंगे। अहमदाबाद में जनरल का गया था 72.86 और ओबीसी का गया था 64.91, एससी का गया था 57.23, एसटी का गया था 48.21। इसी यही हाल है इलाहाबाद का। इलाहाबाद में आप देख सकते हैं 77.49, 77.49 गया था जनरल का, 70.47 गया था ओबीसी का, 62.85 गया था एससी का और 47.03 एसटी का गया था। और आपके गोरखपुर का हाल देख लेते हैं। गोरखपुर में 77.43 जनरल का गया था और ओबीसी का 69.01, एससी का 56.63 और एसटी का 47.67। कोलकाता का 79.53, 71.53, 67.07 और 52.92 गया था कोलकाता का। अब यही हाल है चंडीगढ़ का, जो कि चंडीगढ़ में सबसे हाईएस्ट गया है 82.27, 71.87, 71.47, 46.7। ये तो हाल है प्रीवियस ईयर एनटीपीसी कट ऑफ मार्क का। अब दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आपको कितना अपना टारगेट लेके चलना चाहिए कि जिससे एनटीपीसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी 2020 में, इसमें आप क्वालिफाई हो सकें। तो ये मान के चलिए कि 75% प्लस, 75% प्लस जब आप लेके आएंगे तब मान के चलिए कि एनटीपीसी में क्वालिफाई हो सकते हैं, हो जाएंगे। और यदि इससे कम आप आ रहे हैं तो फिर उम्मीद कम ही करिए, हो सकता है कि भाई किसी का लक हो, चांस हो, बाई चांस हो जाए, ये अलग बात है। लेकिन आपको जॉब लेने के लिए पूर्णतः 75%, सॉरी दोस्तों ये मैं 57 लिख दिया हूँ, ये 75% आपको लाना अनिवार्य है। मैं ये 75% जनरल की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। ओबीसी अपने हिसाब से प्लस माइनस कर लेंगे, एससी अपने हिसाब से प्लस माइनस कर लेंगे, एसटी अपने हिसाब से प्लस माइनस कर लेंगे। और मैं ये कुछ चुनिंदा जोन का लेके आया हूँ। अगर सारे जोन का आपको कट ऑफ चाहिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ मार्क, तो दोस्तों सारे, यदि सारे जोन का चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं सारे कट ऑफ मार्क, सारे जोन का कट ऑफ मार्क लेके आपको आऊँगा और दिखा दूंगा। क्योंकि मैं ये नहीं चाह रहा था कि सारे जोन का मैं कट ऑफ मार्क लेके आऊँ और वीडियो बहुत लंबा चला जाए, ऐसा नहीं मेरा उद्देश्य था। इसीलिए मैं कुछ चुनिंदा जोन का ही लेके आया हूँ। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में अपनी कोई भी इंक्वायरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखे हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम कब तक होगा। ये मान के चलिए कि फरवरी में और मार्च में, हमको तो नहीं लग रहा चांस। जो लोग कह रहे हैं कि फरवरी में होगा, तो फरवरी में आप हमको ये बता दीजिए कि अगर फरवरी में होता तो अभी तक कुछ ना कुछ तो सूचना आ ही जाता। ऐसा कुछ नहीं है सूचना कि आया हो, तो इसलिए फरवरी वाले पता नहीं कैसे कह रहे हैं, वो वही जानेंगे। बाकी मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा है। अब यहाँ बात आ गई एनटीपीसी प्रीवियस ईयर कट ऑफ मार्क, तो वो भी मैं आपको बता दिया। अब दोस्तों 2020 में कितना नंबर लाना होगा वो भी मैं बता दिया। और भी यदि आपकी कोई इंक्वायरी रह गई हो, कुछ जवाब सवाल रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका जवाब मैं दे दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।